शायर बदनाम। तेरे जख्मों को हवा किसने दी, तेरे मर्ज को दवा किसने दी, आज खुशी में खरीद रहे हो जहान तुम, आज खुशी में खरीद रहे हो जहान तुम, कल गम की बारिश में बचने की जगह किसने दी। ये आखिरी ख्याल के साथ गौरव ने मीनू को आखिरी बार ट्यूशन से उसके घर छोड़ा था और मीनू ने गौरव को कहा कि तुमसे बेहतर इंसान इस दुनिया में नहीं है। गौरव ने खुद को बुदबुदाते हुए कहा, यही दिक्कत है। दरअसल गौरव और मीनू एक ट्यूशन क्लास में मिले थे जब मीनू ने गौरव से मुझे मांगा। मीनू पहली ऐसी लड़की थी जिसके साथ गौरव जैसा इंट्रोवर्ट लड़का कंफर्टेबल था और मीनू भी गौरव की सिंप्लिसिटी से बड़ी इंप्रेस थी। और फिर क्या था, गौरव और मीनू एक दूसरे से मिलने लगे, बातें करने लगे और वक्त अपनी रफ्तार में चलता रहा। एक दिन गौरव ने मीनू को एक पोस्ट भेजी जिसमें लिखा था, जो साहिल पर ही रहते हैं कभी पार नहीं हो सकते, जो साहिल पर ही रहते हैं कभी पार नहीं हो सकते, लड़का और लड़की सब हो सकते हैं पर यार नहीं हो सकते। इस पर मीनू ने कहा कि गौरव, मैं प्यार में बिलीव नहीं करती। तब गौरव ने कहा कि प्यार में बिलीव करने की जरूरत नहीं है, उसे फील करके दे, महसूस करके दे। तब मीनू ने मैसेज को सीन किया और छोड़ दिया और गौरव को हफ्ते भर इग्नोर किया। तब 4 दिन और ट्यूशन ना आने पर गौरव ने मीनू की बेस्ट फ्रेंड से पूछा और पता चला कि मीनू ने ट्यूशन बदल लिया है। फिर क्या था, गौरव की परेशानी बढ़ने लगी और गौरव मीनू से मिलने उसके ट्यूशन पहुंचा तो मीनू ने जवाब दिया कि मुझे बस एक ब्रेक चाहिए था। तब गौरव ने उसे कहा कि ब्रेक और बोस्टिंग में फर्क होता है, मैडम क्या कर रही हैं आप। मीनू ने उसके जवाब में बताया कि वो प्यार में बिलीव अपने एक्स बॉयफ्रेंड अक्षय की वजह से नहीं करती। तब गौरव को समझ में आया कि वो इस प्यार के बोझ के लिए कंधा बन गया है। तब उसने मीनू से मुझे मांगा और चला गया। मैं एक एक्स्ट्रा पेन हूं जिसे मीनू ने गौरव से पहली बार मांगा था। खैर गौरव कहां गया ये मुझे नहीं पता। मैं आपको ये बता सकता हूं कि गौरव ने मीनू की कॉपी पर क्या लिखा था, जानना है आपको। सीधी सी जिंदगी है, मैं वैसा बंदा नहीं हूं, सीधी सी जिंदगी है, मैं वैसा बंदा नहीं हूं, मैं दोस्त हो सकता हूं, रकीब हो सकता हूं, पर मैं कंधा नहीं हूं। तुम्हें जख्म भरने होंगे या फिर फंदे कुतरने होंगे, तुम्हें जख्म भरने होंगे या फिर फंदे कुतरने होंगे, पर मैं दोस्ती का धंधा नहीं हूं। मैं बुरा हो सकता हूं, मैं अच्छा हो सकता हूं, लेकिन मैं कंधा नहीं हूं।